हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फर्नीचर फैक्ट्री में चोरों मारी सेंध, रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्टार फर्नीचर में चोरी, रिको कॉलोनी में एक घर से एलईडी की चोरी। रिको औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों खाकी सुस्त तो चोर चुस्त बने हुए हैं। इसी की बानगी आज देखने को मिली। चोरों ने फर्नीचर बनाने की इकाई में सेंध मार दी, पीछे से बंद की गई खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। फर्नीचर बनाने में काम आने वाले उपकरण, केबल व लैपटॉप आदि चोरी कर लिए। सूचना मिलने पर इकाई संचालक का भाई गुजरात के छापी से अबरोड पहुंचा, रिको पुलिस को चोरी की सूचना दी। इसी तरह रिको कॉलोनी में भी चोरों ने एलईडी चोरी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। रिको औद्योगिक क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मार्बल इकाइयों में लगातार चोरी की वारदातें हो चुकी है। इसी क्रम में आज चोरों ने स्टार फर्नीचर इकाई में अपने फन का कमाल दिखा दिया। इकाई में पीछे बंद की गई खिड़की को तोड़कर इकाई में प्रवेश किया। 25 मीटर मोटी कॉपर केबल, लैपटॉप, 6 ड्रिल मशीन, 3 ग्लांडर, 2 हैंड कटर आदि सामान चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, चोर सीसीटीवी कैमरे की सीडीआर भी साथ लेकर चलते बने। इकाई मालिक के बड़े भाई आबिद भाई गुजरात के छापी से आबूरोड पहुंचे, रिको पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। वहीं रिको कॉलोनी में चोरों ने एक एलईडी पर हाथ साफ कर दिया। रिको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल लगातार हो रही चोरियों से उग्मियों में रोष व्याप्त। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह चौधरी, सचिव आबू मार्बल एसोसिएशन, इन्होंने ये कहा। दिन करा मिला तो बोले साहब पकड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सातिर हैं। अरे सातिर तो हमको भी दिख रहे हैं साहब। अब वो कह रहे हैं कि आप करो, हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरा पक्का भी बना हुआ है, उसके बाद भी चोरियाँ हो रही हैं, स्टाफ भी अंदर रहता है। अब उसके बाद सीआई साहब कहते हैं कि आप कुछ करो। अब हम कुछ करें तो फिर थाना क्या करेगा साहब? इससे अच्छा तो पहले चौकी थी तो काम होता था। अब थाना होने के बाद और पिछले लंबे 3 महीने से लगातार चोरियां होने के बाद भी एक भी चोर नहीं पकड़ा गया, एक भी चोरी नहीं पकड़ी गई है। और FIR दर्ज कराते हैं तो वो भी FIR दर्ज भी नहीं करते। बड़ी मुश्किल से पिछली बार 2 FIR दर्ज कराई, 5-6, उसको भी आज तक कोई पता नहीं पड़ा है। और अब ये रात को फिर चोरी होगी, और रात को रिकॉम भी चोरी हुई है, वहाँ से भी LED वगैरह लेके गए। जागरूक टीवी की आबू रोड से खास रिपोर्ट।